गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो है एक अनदर बैग हॉल वीडियो है। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने अमेजोन से कौन सी बैग बाय की है, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी बाय की है और आगे भी बहुत सारी आने वाली है, तो स्टे कनेक्टेड गाइज। और दूसरी बात कि अभी मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो पार्टिसिपेट। और ये जो सारी बाइंग लिंक है उसकी जो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसके पहले के जो पार्ट्स है उसकी और गिव अवे वीडियो की भी जो बाइंग लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड है तो देखने में और की गिव अवे में पार्टिसिपेट करने में। तो अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हो सके इतना शेयर कीजिए गाइस ताकि मुझे भी हेल्प मिले। और दूसरी बात की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो मेरे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए गाइस। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बैग हॉल को। मैंने हर टाइप की बैग ऑर्डर की है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, हर अलग अलग वीडियो के पार्ट्स में अलग अलग टाइप की बैग्स मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको हेल्पफुल रहे और आपको जो भी बाय करनी आप इजीली बाय कर सको। इसके पहले बैकपैक वाला मैंने दिखाया था जो एक रिक्वेस्टेड था, अब इसमें मैं दिखाऊंगी कि बड़ी बैग मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है शरीन करके, उन्होंने बोला था कि बिग साइज की, और दूसरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने भी बोला था बिग साइज की बैग दिखाइए, थ्री कंपार्टमेंट हो ऐसी या थोड़ी बिग हो ऐसी, उनका नाम मैं भूल गई हूँ सॉरी, लेकिन ये दो सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि एक अच्छी बड़ी बैग दिखाओ, तो मैं दिखाऊंगी आज आपको। ये वाली बैग जो है वो मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका प्राइस और इसकी ब्रांड का नेम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने एक साथ बाय किया है बहुत सारा स्टफ तो याद नहीं रहता है। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप स्क्रीन पे देख लीजिए इसकी प्राइस और ब्रांड, और इसकी लिंक भी आपको दे दूंगी तो आप डायरेक्ट जाके अमेजोन से बाय कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, एक सब्सक्राइबर है मेरे जो पाकिस्तान से है, उन्होंने पूछा कि हमें बाय करनी है कैसे बाय करें, तो उनको कन्फ्यूजन था, तो उनको भी बता दूं, जो बाहर के हैं उनको भी बता दूं, अगर आपके वहां अमेजोन अवेलेबल है, ये amazon.in यानी कि amazon.india है, अगर आपके वहां पाकिस्तान में अवेलेबल है तो आपको अमेजोन से मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए आपके वहां ये साइट होगी तो शायद मिल जाएगा और यही प्राइस में मिल जाएगा होपफुली। तो इस तरह की है ये वाली बैग, मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका पिक बहुत ही अमेजिंग था, पिक देख के मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया। एक तो इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये 10 कलर में है आप देखो, और 10 कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है 10 कलर। इस तरह की है ये, बहुत ही बड़ी साइज की है, बाहर ऐसा किचन टाइप या जो बोलते हैं ना बाहर ये फैंसी दिया हुआ है, ये हैवी है, मेटल का है, आप देखो ये बेल्ट है उसका, और आगे का ये यहाँ का है ना वो मुझे बहुत पसंद आया, आप क्लोजअप में देखो आगे की जो इसका ये डिज़ाइन दी गई है वो बहुत अच्छी है, ये जो जिस मेटल का है वही मेटल के स्टार दिए गए हैं बीच बीच में ब्लैक कलर के, और बहुत अच्छा है और मैट फिनिश देता है, बहुत बड़ी साइज का है, बहुत ही स्टाइलिश है गाइस, बहुत ही स्टाइलिश है, मुझे बहुत पसंद आया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरा, ऐसी जीप है बीच में इसके, उसको खोलना है, इतने सारे कागज डाले हैं तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा स्पेस होगी। सारे कागज मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको पता चले अच्छे से, ये बहुत बड़ी साइज की है। जो लोगों ने मुझे बोला था कि बिग साइज की बैग दिखाओ, तो यस ये बिग साइज की है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, देखो दूर से दिखाती हूँ ताकि पहले आपको अच्छे से पता चले, फिर क्लोजअप भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये वन कंपार्टमेंट इतना बड़ा, और ये सेकंड कंपार्टमेंट है वो भी इतना बड़ा है, ये देखो ये इसमें अंदर जीप भी दी गई है, ये वाला जीप वाला कंपार्टमेंट भी है वो भी बड़ा सा है, और फोन तक आ जाएगा आपका, इतना बड़ा है जो जीप वाला है वो, और ये तो आपने देखा ही एक, और ये दो, और बीच में ये जीप वाला है वो तीसरा, दिखाती हूँ आपको,
खोलती हूँ जीप ताकि आपको पता चले। ये देखो ये जीप वाला, ये भी पड़ा है बीच में जो अटैच है वो, और आगे भी है ऐसे, एक और दो ऐसे जीप के बिना के भी है। ब्लैक है तो शायद अच्छे से दिख नहीं रहा है जो है। तो तीन कंपार्टमेंट बड़े हैं, एक जीप वाला है और आगे वो दो ऐसे है जीप के बिना के, यानी टोटल फाइव है, तीन छोटे और तीन बड़े। 1 2 3 4 5 6 6 है, सिक्स, तीन बड़े तीन छोटे, सिक्स है टोटल। और इतना बड़ा बैग है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैवी है, यानी कि वाटर प्रूफ टाइप हम बोल सकते हैं। अगर आप निकलते हैं बाहर और चीजें अंदर रखी है तो आपकी चीजें जरा भी गंदी नहीं होगी, बिगड़ेगी भी नहीं। शायद कोई पानी की बॉटल हो या साथ में कोई लिक्विड जूस वगैरह हो तो भी गिरता है तो अगर अंदर नहीं जाएगा, बहुत ही ठीक है। तो मुझे ये पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली में ये वाला। और पीछे भी एक जीप है, वो भी बड़ी है, देखो पूरा हाथ जा रहा है, इतनी साइज की है पीछे वाला जो पॉकेट है वो भी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। जो जिन लोगों को बिग साइज बैग चाहिए वो ये ले सकते हैं, बहुत ही बड़ी है और कंपार्टमेंट भी है अलग अलग, तो आप अपनी चीजें जो है वो सेपरेटली रख सकते हैं। इसके पहले जो मैंने हॉल्स किए थे उसमें भी सारी बैग्स बड़ी ही थी गाइज, इतनी छोटी छोटी नहीं है। मैंने जो मंगवाई है वो बड़ी बड़ी ही मंगवाई है, यानी कि बड़ी यानी मीडियम टू लार्ज ले सकते हैं हम, बड़ी यानी इतना बड़ा तो नहीं आएगा, उसको फिर हम पर्स नहीं बोल सकते हैं, मीडियम टू लार्ज बोलते हैं वो ही है। और ये वही वाली है, तो एक ये है, ये मुझे बहुत पसंद आई। दूसरी वाली जो है वो पिंक कलर में है, गर्ल्स को पिंक कलर ज्यादा पसंद होते हैं, पिंक पीच ज्यादा पसंद होते हैं, और हमारे क्लोथ भी बहुत ज्यादा इस कलर के होते हैं तो इजीली मैच हो जाती है। और ये भी मुझे पसंद आई थी तो ये भी मैंने बाय की है। ये भी बिग साइज है, मीडियम टू लार्ज बोल सकते हैं या मीडियम बोल सकते हैं, इतनी भी लार्ज नहीं है। इस तरह की इसका बेल्ट ये रहा, और मैं पूरी खोल के दिखाती हूँ आपको। इसमें भी ऐसा किचन दिया है बटरफ्लाई वाला, आप देखो ऐसा किचन दिया है, ये यहां से खुलती है ऐसी जीप है, खोल के दिखाती हूँ आपको। जीप में भी बटरफ्लाई है गाइस, देखो जीप भी बटरफ्लाई वाली है, दो है, दो कंपार्टमेंट है, 1 एंड 2 दोनों बटरफ्लाई वाली है। दोनों खोल के दिखाती हूँ मैं, वेट मेरे ये कुर्ती के साथ जाता है, मतलब मैच हो जा रहा है, अभी जो पहनी है उसके साथ मैचिंग हो रहा है पिंक कलर का। इसमें भी एज इट इज जो कागज है वो मैं निकाल देती हूँ ताकि आपको स्पेस दिखा पाऊं। देखो कितना, ये एक कंपार्टमेंट है, देखो कितना बड़ा है, और इसमें भी ऐसे दो छोटे छोटे पॉकेट दिए हैं, जिप के बिना के पॉकेट दिए छोटे छोटे दोनों। ये एक कंपार्टमेंट ये है, अंदर का जो फैब्रिक है इस तरह का है, अब देखो। और दूसरा जो है वो भी खोल के दिखाते हैं, वो भी इतना ही बड़ा है। ये एक था, ठीक है, ये वाला एक था, ये दूसरा देखो कितना बड़ा है, और ये अंदर भी जीप वाला पॉकेट दिया है एक इस तरह का। ये भी बड़ा है, पूरा हाथ जा रहा है मेरा, ये भी बड़ा है, तो इस तरह का है पूरा। ये भी मीडियम टू लार्ज है, बहुत अच्छा है, इसका भी फैब्रिक अच्छा है, और जो पहली वाली बताई थी उसका फैब्रिक थोड़ा हार्ड था, ज्यादा अच्छा था वो। तो क्या है गाइस कि आप जैसे जैसे प्राइस में हाई जाएंगे, जैसे जैसे आप थोड़ी हाई प्राइस का देखेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छी ही मिलेगी। प्राइस में अगर कॉम्प्रोमाइज करते तो थोड़ा प्रोडक्ट में भी, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। पीछे भी ऐसी जीप दी है, उसमें भी ऐसी बटरफ्लाई पैटर्न दी है इस तरह की, क्यूट सा लगता है एक्चुअली में। और ये भी इतना ही बड़ा है पॉकेट, आप देखो इतना ही बड़ा है। तो ये जो है वो दूसरा वाला पर्स है, और ये जो है एक ये पर्स है। आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया है?
मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया एक्चुअली में, क्योंकि ये जो 10 कलर होते हैं, ब्राउन कलर जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ब्लैक कलर अगर आप ले लेते हो वो भी यूनिवर्सल है क्योंकि वो हर क्लोज के साथ जाता है। अगर आप ये इस टाइप के कलर चूज करते हो तो फिर ये आप पर्टिकुलर क्लोथ्स में ही इसको कैरी कर सकते हो, और ब्राउन ब्लैक वगैरह होते तो कहीं पे भी जाना है तो मन उठा के हम वो वाला ले लेते तो चलता है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। मुझे दोनों पसंद आए गाइस, और भी बहुत सारे हॉल्स आने वाले हैं। ये दोनों की प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, तो आप चेक कर लीजिएगा और डायरेक्ट अमेजोन से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैं जब लेती हूँ तब प्राइस कम में लेती हूँ, तो शायद प्राइस अप एंड डाउन हो सकती है, प्लस माइनस थोड़ी हो सकती है, तो वो देख लेना आप। अदरवाइज मुझे ये बहुत पसंद आया है दोनों, और आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी मुझे बताना, और आगे तो आने वाले और बहुत अमेजिंग पर्स आने वाले हैं, तो देखते रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइज, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। तो बस यही था, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।